हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा मेरा ये वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं जा रही हूँ अमीनाबाद, वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट इन लखनऊ। तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है कॉलेज के लिए, कॉलेज जाने वाली हूँ कल से क्लास, तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं बट फॉर्मल नहीं है, सब फेस्टिवल या शादी या पार्टी वगैरह में पहनने वाले हैं, तो कुछ कुछ फॉर्मल ले लूँ। कुछ कुर्तियाँ वगैरह मेरे पास है फॉर्मल, बट कुछ और ले लूँ क्योंकि डेली क्लास जाना है तो डेली के लिए चाहिए। तो कॉलेज तो फेस्टिवल या पार्टी में पहनने वाले कपड़े पहन के नहीं ना जा सकते, तो फॉर्मल लेना है। बैग वगैरह सब कुछ लेना है, कॉपी वगैरह सब लेना है, तो वो सब मैं आप लोगों को चलिए मार्केट में दिखाती हूँ और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरे बैकग्राउंड में जो पंखे की हवा आ रही है उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना पंखे के हम रह नहीं सकते हैं। आप लोगों को पता होगा गर्मी में कोई भी बिना पंखे के नहीं रह सकता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा और वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए देखते हैं वीडियो। और आज ये मैंने पहना है ये वाली कुर्ती और ये इसका जैकेट है, छोटा सा ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर की ये कुर्ती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर से निकल चुके हैं हम लोग और अभी मैं बाइक से जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और मैं उनसे कुछ कुछ बातें करी थी, कुछ बोल रहे थे तो मैं हंस रही थी। तो देख लीजिए हवा से बाल कैसे उड़ रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बूंदाबांदी, तो मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मैं बहुत कम ही बाहर निकलती हूँ, तो आज गई तो बारिश हो रही तो बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं इतना खुश थी आज। तो हम लोग आ चुके हैं आलमबाग चंदर नगर। वैसे हम लोग अमीनाबाद जाने वाले थे लेकिन सोचा चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, कुछ अच्छा मिले तो यहीं से लेते चलेंगे, क्योंकि ये हम लोग के घर के बहुत नज़दीक है और यहाँ से होते हुए हम लोग तुरंत चले जाएंगे। तो हम लोग देख रहे थे इतने प्यारे प्यारे चिकन वर्क की कुर्ती है कि मैं कन्फ्यूज हूँ कि कौन सी लूँ। मुझे तो सारे के सारे कुर्ती अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आना कि कौन सा लो, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम रहने तो मैं ही देख लेता हूँ कि कौन सा लेना है। वैसे ज़्यादातर उन्हीं की पसंद से मैं कुछ भी लेती हूँ, तो वही देख रहे थे कि कौन सा लेना है। यहाँ पे चूड़ियाँ भी एक से एक मिल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे चप्पल भी बहुत सस्ते मिलते हैं और काफ़ी प्यारे प्यारे चप्पल मिलते हैं, हर तरह के फॉर्मल या पार्टी वियर, और जूतियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर, चूड़ियाँ भी बहुत सारे मिल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ियाँ, बट मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, पार्टी फंक्शन होता है तो ही, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेकर नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। ये सब चप्पल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जूतियाँ भी हैं बहुत सारे, सब प्यारे प्यारे, और ये बहुत अफोर्डेबल है। देखिए कितने प्यारे ज्वेलरी हैं, जो लेना था वो हम लोग ले लिए हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से अमीनाबाद। अभी हम लोग अमीनाबाद जाएंगे और वहाँ से लेंगे कुछ कुछ और लेना है। और यहाँ पर भी मिलता है सब कुछ, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी नहीं होता, तो जितना पसंद आया उतना ही हम लोग ने लिया। और अब हम लोग जा रहे हैं अमीनाबाद, तो वहाँ से देखेंगे, कुछ पसंद आएगा तो लेंगे। सारे जो मैं जितनी भी शॉपिंग कर रही हूँ सब कॉलेज के लिए कर रही हूँ, फॉर्मल सब कुछ, मेरे पास बहुत सारे ड्रेस हैं बट वो सब फॉर्मल नहीं है, वो सब फिर पार्टी फंक्शन वगैरह में पहनने वाले, क्योंकि वो सब मेरे शादी के ही हैं। और फिर बीच में भी कुछ कुछ लिया तो वो भी पार्टी फंक्शन वाले ही लिए, तो अभी हम लोग जाएंगे फॉर्मल कुछ लेने और सब लेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रही, देखिए यहाँ पर बारिश भी हो रही थी तो हमको बहुत मज़ा आ रहा था, हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए जाना, और एंजॉय कर रही थी मैं। यहाँ हम लोग मोबाइल के दुकान पर आए हैं क्योंकि मुझे हेडफोन लेना था नया। हम लोग अमीनाबाद पहुँच चुके हैं और अपनी बाइक पार्किंग में लगा रहे हैं यहाँ पर,
हम लोग जा रहे हैं अभी अमीनाबाद मार्केट में अंदर। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो पता नहीं क्यों बारिश ही होते रहता है और सारा अपना प्रोडक्ट जितने भी यहाँ के दुकानदार हैं ढक के रखते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या लूँ क्या नहीं लूँ, कि दिखता ही नहीं तो कैसे समझ सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर रोड पर कितने पानी लगे हुए हैं। और मैं एक बार और आई थी तो उस समय भी बारिश ही हो रही थी, तो ऐसे ही दिक्कत हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। यहाँ पे चिकन वर्क की कुर्तियाँ बहुत सारे थे, बहुत वैरायटी में थे और बहुत सुंदर सुंदर थे, तो वो मैं देख रही थी, मैंने लिया भी है। यहाँ पे हर चीज़ मिलता है, जूता चप्पल कपड़े और बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स यहाँ पे मिल रहे थे, तो वही मैं देख रही थी। बहुत सुंदर इयररिंग्स थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर अमीनाबाद, तो यहाँ सब कुछ हर तरह का चीज़ मिलता है जो भी आपको लेना हो। और यहाँ मैं अभी गुपचुप खाने आई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। बैग मैंने ले लिया, और मैं स्टॉल देख रही थी, स्टॉल भी लिया मैंने। और यहाँ लड़के भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो देख के मुझे थोड़ा सा हंसी आ रहा था कि लड़कियों के चीज़ें हैं तो लड़के शॉपिंग कर रहे हैं। और इयररिंग्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। ये देखिए कितना रोमांटिक, मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वैसे इतने रोमांटिक भी नहीं है ये, बस इसलिए पकड़े हुए हैं कि मैं कहीं इधर उधर कुछ और देखने ना चली जाऊं और इनको लेट ना हो जाए, क्योंकि ये जब भी मार्केट जाते हैं मुझे लेकर तो इनको लगता है जल्दी चलो जल्दी चलो, तो मैं चाहती हूँ मैं सारे चीज़ देख लूँ जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, लूँ या ना लूँ कम से कम देख तो लूँ। तो वही ये चल रहे हैं लेकर। शॉपिंग हो चुकी है हमारी, अब हम लोग अमीनाबाद से निकल रहे हैं, अब हम लोग सीधा घर जाएंगे और मिलते हूँ आप लोग से घर जाकर। बारिश अभी भी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था बाइक पे बैठ के बारिश एंजॉय करते हुए। बूंदा बूंदी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। बहुत कम ही निकलना होता है घर से, तो निकलना होता है और ऐसे मौसम में बारिश हो रही हो बाइक पे हो तो कितना मज़ा आता है, कितना एंजॉय करते हैं हम। गाइस जब मैं आ गई हूँ घर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पता नहीं कभी भी मार्केट जाओ शॉपिंग करने तो हम लोग कुछ करते भी नहीं, फिर भी थक जाते हैं। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, एक करी बनाना है तो अंडे उबाल रही हूँ, और इधर चाय बना रही हूँ मम्मी पापा और ननद के लिए, तो देकर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ा देर में और खाना बनाती हूँ फिर। देखिए मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है क्योंकि नए कपड़े में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आप लोगों ने ये वाला ड्रेस बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30, मार्केट से आने में हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 6:30 हो गया था मार्केट से आने के बाद। और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर किया जो शॉपिंग की थी उसका, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो वही मैं जा रही हूँ खाना बनाने और मिलती हूँ आप लोगों से खाना बनाने के बाद। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया इसलिए मुझे खाना बनाने में जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है, तो वीडियो
वो वाला कल एडिट करूँगी और कल डालूँगी। ये वाला आप लोग देख लीजिए आज, और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ एक करी चावल। तो डिश तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी एक घंटा हुए हैं आते आने के बाद, और वीडियो बनाई हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि चलो शेयर कर दूँ क्या क्या खरीदी हूँ। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, कल वो वाला वीडियो एडिट करके डालूँगी, तो आप लोग कल भी देखिएगा वीडियो क्या क्या लिया है मैंने। सॉरी गाइस, पूरा रेसिपी तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और खाना बनाते वक्त आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वीडियो भी बना पाऊँ, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने एक करी बना रही हूँ, तो एक मैंने बॉयल करके तल के रख लिया है और आलू भी मैंने बॉयल करके रख लिया है, आलू भी डालूँगी एक करी में। और चावल बन चुके, खाना बना लिया मैंने और यहाँ का साफ सफाई भी कर दिया, जो बर्तन थे उसे भी धो लिया, और अब मेरा काम ख़त्म हो गया और अब मैं मिलती हूँ आप लोग से। चलिए अपने रूम में खाना बना कर आ गई हूँ मैं, और अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैंने जो छीटा आप लोगों को दिखाया है सारा, जो मार्केट से लेके आई हूँ, सब छीटा पड़ा हुआ है, तो उसको मैं अभी ठीक करूँगी, सबको फोल्ड करके रखूँगी। दिखाने के चक्कर में और वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत मेहनत लग जाता है और आप लोग एक लाइक तक नहीं करते, और आप लोग देख सकते हैं अभी पसीना से कितना तर बतर हुई हूँ मैं, खाना बना कर किचन से आ रही हूँ अभी अभी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ऐसे ही नहीं बनता वीडियो। देखने से लगता है कि वो सी 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, पर उसके बनाने के उसमें बनाने के पीछे हम लोग को बहुत मेहनत लगता है। एक तो वीडियो बनाने में मेहनत और ऊपर से फिर एडिट करने में मेहनत। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं सब ठीक करूँगी, सारे सामान फैले हुए हैं उसको ठीक करती हूँ, तब मिलती हूँ आप लोग से, और वीडियो को एंड भी करना है। तो पहले सामान को मैं फैला हुआ है जो ठीक कर दूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ। चलिए ठीक कर, जो कपड़े फैले पड़े हुए हैं उसे मैं अभी ठीक कर रही हूँ। मार्केट से आने के बाद मैंने वीडियो बनाया, तो जो भी कुछ लेकर आई थी तो वो इधर उधर फैल चुका था, तो वो उसी को मैं ठीक कर रही थी। और हाँ, मैंने इससे पहले बोला कि सब छीटे पड़े हुए हैं, मतलब कि छीटा आ गया है सब, मतलब कि फैल गया है, तो उसी वही बोल रही थी मैं। तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, और अब वही सब मैं अभी ठीक कर रही हूँ, ठीक करके और फिर मैं आप लोग से बात करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो वो सब अभी करके और फिर आराम करूँगी मैं। तो कल की वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ देखिएगा आप लोग। तो हो गया मेरा सारा काम ख़त्म, मैंने खाना भी बना लिया, आप लोग को बता ही दिया है, और कपड़े भी सारे फैले हुए थे उसको भी मैंने ठीक कर दिया। जो मार्केट से आई थी तो वीडियो बनाई थी तो वो सब फैल गया था, अभी भी ये पीछे दुपट्टा फैला हुआ है, इसको भी ठीक करूँगी। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो कल आएगा वीडियो जो शॉपिंग किया है मैंने कॉलेज के लिए, फॉर्मल ड्रेस सब कुछ, तो वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, इतना सारा वीडियो आप लोग देख चुके हैं और अभी मैंने कुछ नया नया काम किया है चैनल में, कुछ चेंजेस किया है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं नहीं बताऊँगी, मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, तो अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या चेंज किया है मैंने, और इन्जॉय किया आप लोग कि नहीं मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कल से मेरा कॉलेज शुरू है, तो कल मुझे कॉलेज भी जाना है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और कल कॉलेज है तो उसका भी बहुत सारा काम है, तो मैंने ड्रेस अभी निकाल कर रख दिया है कि कल कौन सा पहन के जाना है। और कॉलेज का भी वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा फर्स्ट डे कॉलेज। अभी तो हस्बैंड ही छोड़ने जाएंगे कुछ दिन, और फिर उसके बाद मैं जाने लगूंगी खुद से, क्योंकि अभी मुझे यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो छोड़ेंगे कुछ दिन, उसके बाद मैं खुद सीख जाऊँगी तो खुद से जाने लगूँगी। तो चलिए, अब थोड़ा थक गई हूँ तो थोड़ा आराम करती हूँ। खाना बन चुका है मेरा और सब काम हो चुका है, कपड़े भी मैंने ठीक कर दिए और रूम भी मैंने ठीक कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है जो मैं अब कर लूँगी, और कल मिलूँगी आप लोग से एक अच्छे से वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। और कल वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, बाय, गुड नाइट।
वेट करिएगा मेरे वीडियो का। और हाँ, क्या चेंज किया है मैंने ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि मैं भी नहीं बताऊँगी, कल के वीडियो में बताऊँगी आप लोग को कि मैंने क्या चेंज किया है। तो अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब इतनी हिम्मत नहीं है कि और इस ब्लॉग को चालू रखूँ, तो उसके लिए सॉरी। और बाय, गुड नाइट, लव यू।